क्या दिख रहा है ये ये है हमारा सपोर्ट सिप्ला बार बार यहीं पे आके सपोर्ट लेता है इस जोन से इसे कहेंगे हम लोग डिमांड जोन ये क्या लाइन है ये है एक हिडन लाइन ओके सिप्ला इसे भी फॉलो करता है और उसका ब्रेकआउट दे चुका है तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है इस पैटर्न को अगर अंदर से देखोगे तो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है बट अभी भी ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और उसके बीच में बहुत ही कम स्पेस है ठीक है एक और लाइन बना देते हैं जो सब लोगों ने बनाई होगी ऑफ कोर्स पैटर्न वाली कि ये का breakout इसने देती है, बट आप लोगों को नहीं लगता कुछ बड़ा breakout है अगर कोई यहाँ पे एंट्री तो होगा टारगेट तीन परसेंट का मिल रहा है, तो क्यों लेंगे तो जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता ठीक है क्यों कैसे अब मैं बताता हूँ कुछ जोन देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक जोन है जोन नंबर वन ठीक है यहाँ से रेजिस्टेंस लिया फिर इस जोन से रेजिस्टेंस लिया फिर इस जोन से रेजिस्टेंस लिया और अब यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है ये थिंकिंग है मेरी ठीक है तो रेजिस्टेंस लेगा तब देखेगी क्या होता है तो यहाँ आता है रेजिस्टेंस लेता है इस लाइन पे आके सपोर्ट लेके यहाँ से ब्रेकआउट देता है छोटी कैंडल होती है डे के एंड पे एंटर करेंगे ट्रेड मूविंग अहेड मैक्स हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं तो मैक्स हेल्थ केयर पे बहुत बड़ा एक जाइंट मोमेंटम देखे स्टॉक जो है कंसोलिडेट करा यहाँ हम लोगों ने बात भी करी थी इसी टाइप पे कि ये फटने वाला है

रीटेस्ट के बाद अगर वो इम्पल्सिव हाई जो बनाता है वो एक मूव का जो हाई बनाता है वो अगर टूट गया है वो ब्रेक हो गया है अपना सेटअप खुद का बना सकते हो तुम यहाँ से एंड यहाँ से मुझे लगता है कि चार सौ रुपए फोर हंड्रेड तक मैक्स हेल्थ केयर जा सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जिस तरीके से ये पैटर्न बनाया हुआ है में अगर कोई भी डाउट हो इसमें कैसे करनी है एग्जीक्यूशन कैसे करना है अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन वहां पे जाके आप पता कर सकते हो मुझसे सीधा बात कर सकते हो आई विल टेल यू एवरीथिंग बट अभी हम लोग फोकस करते हैं एनालिसिस पे अपने ल्यूपिन को अगर वीकली चार्ट देखोगे जाके तो बार बार इस जगह पे आके वो सपोर्ट लेता है एंड इस बार मंथ वीकली चार्ट पे देखोगे तो बहुत एक्यूबलेट हुआ है इस जगह पे ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे इसको क्योंकि एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनी है वीक पे जो कि ब्रेक डाउन को फॉलो अप कर रही हो समझ रहे हो मतलब मतलब ये देखो ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल पे पूरी ऊपर आ गई ग्रीन हो गई फॉलो अप नहीं मिल रहा ओके okay, तो अभी भी गिरना नहीं चाहता स्टॉक इसके नीचे इस प्राइस के नीचे तो जब भी तुम्हें इस तरीके का एक कैंडल मिलेगा यहाँ पे वो आपकी एंट्री की नीचे स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल अगर एक हफ्ते के लिए यहाँ सस्टेन हो गई तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पता चलेगा ये इसके ऊपर आ गया है तो बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ से एक बहुत ही लंबा इन्वेस्टमेंट टाइप स्विंग ट्रेड टाइप बन सकता है बट डेली चार्ट पे निकलने दो ठीक है डेली चार्ट का मतलब ये नहीं होता कि डेली चार्ट पे तो दिखेगा ही अगर वो फाइव मिनट पे निकल रहा है तो वो डेली चार्ट पे भी दिखाई देगा तो आपको वो वीकली पे भी दिखाई देगा डेली चार्ट का मतलब की थ्री ट्वेंटी पी एम के आसपास आपको क्लोजिंग दे रहा है वो वहाँ पे दैट मीनस डेली चार्ट ब्रेकआउट हो चुका है मूविंग अहेड सनोफी इंडिया की बात करते हैं तो सनोफी इंडिया में मुझे दिख रहा है कि जो स्टॉक है आपका बार बार यहाँ से इस जगह से रेजिस्टेंस लेता है एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट देके एक मूव बनाया लिया लिया नीचे आया आया ऊपर फिर रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है बार बार इस, जग, इस जगह से रेजिस्टेंस क्योंकि ये मेरी लाइन यहाँ बनी हुई है इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ये सिर्फ मेरे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और ये मेरी लाइन है इस पे मैं एंटर करूंगा देखो यहाँ पे क्लॉक बनी है ये अलर्ट है अलर्ट मुझे दे देगा ये ठीक है ऐसे मैंने सारे स्टॉक्स पूछते है, तो हैं पे के करी है, ट्रेड बनती है खुद ही आती है मेरे पास ठीक है बहुत हर टाइम जाके एनालाइज कर रखा है अठारह सौ के अठारह स्टॉक और पी के भी बहुत सारे एनालाइज कर चुका हूँ मैं ठीक है मैं बिलीव नहीं करता इंडिकेटर्स पे ना बिलीव करता हूँ

फिर 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 से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस, लिया, फिर वहीं पे तो, okay, तो बहुत अच्छी एक ट्रेड ऊपर के लिए बन सकती है इन सन ऑफ इंडिया ओके मूविंग अहेड अब हम बात करते हैं ग्लैनमार्क फार्मा की तो ग्लैनमार्क फार्मा एक सिंपल सा एक ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न बना रहा है तो जब भी ये विक ले लेगा जब भी ये विक के ऊपर क्लोजिंग दे, दे देगा डेली टाइम फ्रेम पे दैट विल थ्री ट्वेंटी पी एम अगे थ्री ट्वेंटी पी एम पे बहुत फोकस कर रहा हूँ बिकॉज थ्री ट्वेंटी बचता है मिनट मिनट में क्या लगता है मार्केट कितनी गिर जाएगी कितनी भी गिर जाए लेकिन प्री मार्केट पे सॉरी पोस्ट मार्केट पे आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा आपका प्राइस वहीं पे है क्योंकि उसके बाद जो है सेटलमेंट्स वगैरह होते हैं वगैरह सब स्क्वायर ऑफ हो जाता है थ्री ट्वेंटी के बाद तो यहाँ पे आप देखोगे तो थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव के आसपास आप ट्रेड लेना अपने सेटअप के हिसाब से ऑफ यही नहीं है ये एनालिसिस लास्ट जो इसके बाद ऐसा लगता है कि खत्म ही हो जाएगा एनालिसिस नहीं मुझे लगता है कि अगर बहुत जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना ली होंगी अब देखो पाँच मिनट में अगर चलते हैं तो जिन लोगों को लगा होगा सॉरी फॉर दिस ओके तो जिन लोगों को लगा होगा अरे तो छूटा जा रहा है स्टॉक ठीक है बहुत बढ़िया कर लो एंटर आखिरकार उसने नीचे ही क्लोजिंग दी ठीक है अब सोचो तुम बैठे हो फाइव फिफ्टी फाइव फोर्टी सेवन पे क्लेंक में और क्लेनमार्क ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया बहुत अच्छी प्रॉबलिटी है कि यहाँ शॉर्ट करेंगे मैं होता तो मैं तो यहाँ शॉर्ट ही करता क्लैनमार्क को ठीक है ऑल अभी नहीं करूंगा शॉर्ट ठीक है बिकॉज मेरे पास और भी काफी स्टॉक्स हैं जो कि मुझे डिफरेंट डायरेक्शन मूव दे रहे हैं ठीक है अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वेरिश हुआ नहीं है इतना तो जब हो जाएगा तो ऐसी ऐसी जगह पे मैं तो बहुत हैवी अमाउंट से शॉर्ट मार देता हूँ एकदम बिकॉज बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है तुम्हारे पास ये विक पे आता है तो वॉलेटाइल भी है प्लस आपको ब्रेकआउट भी दे रहा है लॉन्ग चले जाओ ठीक है यहाँ पे ऐसे देती है कैंडल बट फिलहाल मुझे लगता है वीक है ठीक है क्योंकि इसके ऊपर निकला नहीं अगर निकलता है तो अच्छी बात है ट्रेड मिल जाएगी नहीं निकला तो नहीं करेंगे ट्रेडिंग खत्म सिंजन पे आ जाओ सिंजन वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट देते हुए आ चुका है यहाँ ट्रेड ली हुई थी इंट्रा डिवेस मारा था एक फटाफट से ठीक है यहाँ पे गैप अप के साथ आया वापस इस जगह पे फिर इस जगह पे फिर से एक अप आ गया उस जगह पे वाह ठीक है तो और उसी जगह पे जहाँ गैप अप आया था यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को ले जाऊँ ठीक है तो तुम लोग देखोगे कि वेट अ मिनट तुम लोग देखोगे कि पाँच मिनट पे ही या पंद्रह मिनट पे पता नहीं कहीं इन्हीं दोनों टाइम फ्रेम्स पे कहीं पर मैंने एंट्री करी थी इस पर जितना मुझे याद है वेट अ मिनट एक बड़ा फॉल एक एक, एक एंट, यहाँ एंटर करा था मैं यहाँ पंद्रह मिनट पर यहाँ मेरी एंट्री थी क्योंकि बहुत ही सिंपल एंट्री है ये और फिर मैंने जो है टॉप पे जो है अगर आप देखोगे तो ये बहुत आराम से इसने मेरा टारगेट जो है हिट कर दिया था विदाउट एनी इशू यहाँ पे देखो ये एंट्री थी अपनी सारा कुछ बताया हुआ था टेलीग्राम पे कि कैसे क्या करना है एल एन में बताया था सेवन परसेंट इतना आसानी से मिल गया सुपर इजी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा अठारह में ये ओके सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक्सटेंडेड लाइन है ठीक है ये यहीं से सपोर्ट लेती है मूवअप हो जाती है गैप अप तक हो जाता है यहाँ से फिर फिर आता है यहाँ पे गैप डाउन के साथ ब्रेक अवे गैप के साथ ब्रेक डाउन हो गया आपका फॉल हुआ कंसॉलिडेट हुआ ऊपर आ गया मूव करा मुझे क्या लगता है कि जब तक ये इस एरिया से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना देता है इस इंजन सिक्स थर्टी टू के आसपास क्लोजिंग्स नहीं दे देता है इस इंजन इंटरनेशनल डेली चार्ट पे थ्री ट्वेंटी फिर से तो मैं तो नहीं जा रहा भाई लॉन्गेस्ट क्योंकि मेरी हिडन ट्रेन लाइन भी बता रही है और यहाँ से ऊपर एक ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से बनाएंगे कुछ खास नहीं है वीक ट्रेंड लाइन तो को, को, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे अपना वो सेट कर रखा है बट ये ओके तो वैसी कैंडल मिलती है तो ही ट्रेड लेना बायोकॉन में एक वन वन की बनती है, टाइप है, जो भी कह लो ठीक है इसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था हमने वन आर पे यहाँ ट्रेड भी ली थी और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मारी थी उसकी सेवन सिक्स परसेंट हम लोगों ने अचीव करा था उस ट्रेड से वन आर पे क्यों मारी थी एंट्री क्योंकि डे और का एकदम यहाँ पे फॉलो हो रहा था पैटर्न फॉर्मेशन और बहुत हुआ था। तो का भी नहीं हो पाई थी मैंने लाइक वन आवर की कैंडल like, बनना चालू हुई और तभी ले लिया वन आर की कैंडल काफी हद तक बन गई थी ठीक है फोर्टी फिफ्टी मिनट्स हो गए थे तब भी ओके okay, तो यहाँ पे हम लोग अब देखें तो क्या हो रहा है बायोकॉन में ब्रेकआउट एक मूवमेंट इम्पल्स हाई वही जो बोला था अभी कंसोलिडेट कर गया। है। अगर ये ये इस इस एरिया को फिल करता है, 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 तरीके तरीके की की कैंडल कैंडल बनाता है जैसे बार, ये जो रेक्टेंगल मैंने डिस्प्ले करा है, उस की कैंडल पे सेटल होती है ओके okay, तो यहाँ से सात परसेंट का मूव मिल सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ़

ये उन्हीं के बीच में सस्टेन कर रहा है एंड ऊपर से रेजिस्टेंस खा चुका है तो बहुत अच्छा चांस है कि ये नीचे फॉल करेगा से फिर सपोर्ट लेगा और अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट लेके एक डाउन ट्रेंड फाइनली चालू हो सकता है इस टाइप की चीज़ भी भी चालू हो हो सकती है है एंड अगर ये इसको भी ब्रेक करके क्लोज जाता है, एक छोटी कैंडल से क्लोज होता है वो हमारी एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगी फिर से अपोलो हॉस्पिटल्स में सन फार्मा की बात कर लेते हैं तो सन फार्मा ने फिलहाल क्या किया है एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को पहले ही ब्रेक डाउन दे दिया था वहां कंसोलिडेट करके बहुत गंदी ये क्लोजिंग दे दी सनफार्मा ने बट अगर आप यहाँ से तो आपको पता चलेगा इस पैटर्न के अंदर ही है, है।, है।, तो है मार्केट टर्न होनी होगी अगर फार्मा को टर्न होना है तो जो कैंडल मैंने यहाँ आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ ये रेक्टेंगल बार जो बनाया है इस टाइप की अगर आपको इस टाइप की अगर आपको क्लोजिंग मिलती है फार्मा में तो बहुत ही अच्छी एक ट्रेड बन सकती है सनफार्मर में ना मूविंग अहेड अहेड वेट अ मिनट मूविंग डी कैल में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे वन आर पे एंट्री करनी है और सेवन परसेंट लेके निकलना है बिकॉज बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है ऑलरेडी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है नो ट्रेड्स इन डिश कार्पोजन बिकॉज बहुत ही क्लाउडी स्टॉक है यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत सब अप है ओके okay, तो ऐसे ट्रेड में काम करते हैं जो कि इजी टू वॉच हो जिसमें पैटर्न थोड़े विजिबल डॉक्टर लाल लैब्स फॉल करता है एक लो बनाता है फिर एक हायर लो भी बना देता है इस एरिया पे फिर एक बहुत अच्छी कैंडल आती है तो क्या ये ब्रेकआउट है नहीं ये ब्रेकआउट नहीं है ओके okay, मैंने ये लाइन बना रखी है थोड़ी इसको और ऊपर कर देता हूँ ठीक है मुझे यहाँ पे जैसे ही आएगा मुझे अलर्ट देगा मैं ले नहीं लूंगा स्टॉक अलर्ट देगा तो मैं वॉच एट द डे ऑफ द एंड अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छी कैंडल स्मॉल कैंडल सेटल होती है तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ कहीं ही बनाऊंगा ओके किस तरीके की कैंडल मुझे चाहिए इस तरीके की कैंडल ठीक है इन डॉक्टर लाल पैदल इस तरीके की कैंडल यहाँ चाहिए क्यों क्योंकि इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया है उसका रिटेस्ट हो गया ओके रिटेस्ट होके और ऊपर मूव कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कि रीटेस्ट मूव सब हो गया ठीक है पूरे पैटर्न का ठीक है अच्छा डिमांड भी रही है डबल बॉटम टाइप भी बना दिया डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी कर दिया तो हमारे पास स्पेस है ठीक है कि ये टेन परसेंट हम ले सकते हैं डॉक्टर लाल पैसला उसमें बट जब तक ये डेली चार्ट पे क्लोज नहीं होती है सेटल कैंडल मैं ट्रेड नहीं लूंगा अगर निकल रही होती तो निकलने दूंगा एस्ट्राजेनका की बात कर लेते हैं एस्ट्राजन का बहुत अच्छे सपोर्ट पे है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने आई गेस टोटल इसनेट के ऊपर तक का मोमेंटम दिया था फिर 4 पे क्लोज हुई क्यों क्यों द थिंग इज अपने आप से पूछा करो कि ये विक यहीं तक क्यों बनी क्यों ये यहाँ तक नहीं गया स्टॉक यहाँ तक नहीं गया या कहीं तक भी क्यों नहीं गया या ट्वेंटी अपर सर्किट या वट एवर जो भी सर्किट अगर लगता है इसमें लगा क्यों नहीं ओके और, और रुक क्यों गया वहाँ से रेजिस्टेंस एंट्रेंस ऐसा क्या आया तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि ये जर, ये, ये जर्क पॉइंट फिर से लिया मैंने

एक ब्रॉडनिंग एंट्रेंस दिख रहा है ठीक है फिलहाल जो लोगों ने ट्रेड ले ली है वो लोगों का एंटीसिपेशन ये रहना चाहिए कि अगर ये स्टॉक जो है आपका 4494 के नीचे निकलता है तो वो मदर बार का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है डॉक्टर रेटी में मतलब क्या होता है इसका मतलब कि एक और फॉल आपको देखने को मिल सकता है बहुत ही इजीली इन डॉक्टर रेटी तो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है किसी भी हालत में अभी ओके okay. कब होगा ये ब्रेकआउट बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होगा ये ऊपर वाली मिला मिला लो लो, सब काफी काफी अच्छा ब्रेकआउट होगा ये डॉक्टर रेड्डी ब्रेकआउट दे रहा होगा इस टाइप का तो 5% परसेंट का ऊपर से नीचे रिस्क है और 5% परसेंट का ही तुम्हें मिल रहा है तो किस तरीके की थिंकिंग रखनी है आइधर जब ये यहाँ पे आए तो एग्जिट पार दो तो इन एरियाज पे या तो जब ये वापस आए और यहाँ सपोर्ट ले तो और ऐड करो ऊपर की मोमेंटम्स के लिए ठीक है ये इन्वेस्टमेंट टाइप अप्रोच हो गई अब मैं इसको हटा रहा हूँ ये हो गई तुम्हारी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडर ठीक है अपना टारगेट लिया निकल गए ये इस टाइप की ट्रेडिंग अप्रोच हुई मूविंग अहेड पॉलीमेट के बारे में बात करते हैं तो पॉलीमेड से मैंने एग्जिट क्यों करा मैंने एग्जैक्टली वन जीरो वन जीरो पे एग्जिट कराया अराउंड वन जीरो वन 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 जीरो के अराउंड मैंने एग्जिट करा नोटिफाई भी कर दिया सबको मेन अकाउंट पे भी एग्जिट मार दिया हर जगह नोटिफाई भी कर दिया पोजिशन दिखा दी अपनी सब कर दिया पी सब कर दिया ठीक है बट क्यों करा मैंने बिकॉज मेरे दो तीन स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे तीन चार परसेंट के उनको कवर अप कर दिया पॉलीमेट ने पॉलीमेंट में थोड़ी ज्यादा पोजिशन थी ठीक है थोड़ी थोड़ी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा पोजिशन था थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन था दे भी दिया ट्रेड ने ठीक है इंडिया वुल हाउसिंग बुक कर दी मैंने अकाउंट पे ऑलरेडी ठीक है ट्वेंटी परसेंट मूवमेंट दे दिया अब ये सब तब हो पाया जब ऐसे नहीं कि टारगेट अचीव हो गया टारगेट अचीव नहीं हुआ पॉलीमेड में और इंडिया बुल हाउसिंग भी अभी और ऊपर जा सकता है बाकी है बट एक बाकी मुझे क्या लगा यहाँ पे मुझे दिख रहा था रेजिस्टेंस अब मुझे सामने सामने दिख रहा है रेजिस्टेंस अपनी आंखों के और ये यह यहाँ पे आ चुका है एक ही मूव में पांच मिनट की हैंडल में ही आ गया यहीं पे और शुरुआत में आ गया दिन के तो मैं क्यों ना बुक करूँ बिकॉज मुझे सामने दिख रहा है अपने और भी लॉसेज चल रहे हैं अगर मैं भी बुक कर दूंगा तो क्या पता मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ जाऊँ जहाँ से मैं पोजिशन अब अपनी हैंडल कर सकता हूँ ओके तो जब बहुत सारे लोगों के जब बहुत सारे लोग अपनी स्टक थे लॉसेस में स्टक थे अपनी ट्रेड्स में तब मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को बुक कर दिया और अपने लॉसेस को रिकवर कर लिया फटाफट तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द लॉसेस अभी ओवरऑल देखा जाए तो लॉसेस का जो निगेटिव साइन था और पॉजिटिविटी का जो साइन था टोटल मिला जुलू के थोड़ा बहुत स्लाइटली निगेटिव ही होगा ज्यादा निगेटिव नहीं है बट बच गए ओके पॉलीमेट की वजह से बच गए सेवियर था बेसिकली मूविंग हेड Uh, कोई ट्रेड्स अभी नहीं है इसमें तो जब तक कि ये ब्रेक डाउन ब्रेकआउट नहीं देता ऑलरेडी मैं मैंने इसको हेस्ट में लिया था तो मैंने हेस्ट में काट दिया सिंपल रीजन तो अब अगर मुझे इस तरीके की क्लोजिंग देखती है पॉलीमेट में डेफिनेटली मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा पॉइंट यू कैन सी कितना बड़ा वीडियो हो चुका है ओके कैप्टन पॉइंट यू कैन सी डाउन डाउन ट्रेंडिंग चैनल का भी ब्रेक दे दिया स्टॉक ने आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कैप्टन पॉइंट ज्यादा और ज्यादा फॉलो हो सकता है मूविंग अहेड एरेस एरेस में भी तुम देख सकते हो ये ब्रेक डाउन हुआ फिर ऊपर आने की कोशिश है बट रिजेक्शन ऑलरेडी ले रहा है ये स्टॉक सो so, अगर कुछ इस टाइप की कैंडल क्लोज होती है बढ़िया बट जब भी ये मूव देता है तो बहुत बड़ा देते है, तो इतना बड़ा भी मूव देते तो इतना बड़ा अगर मूव देते तो डिफिकल्ट है फिर ट्रेड करना बट इतना मूव दे तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है इसके नीचे का स्टॉप लॉस इसकी क्या एंट्री एंटीसिपेशन क्या होगा तुम्हारा ये एंटीसिपेटरी ट्रेड होगी बेसिकली एंड एंटीसिपेशन वुड भी कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा

कि एक पैरल चैनल तो बनी रहा है और ओवरऑल देखोगे ये एरिया बहुत अच्छा डिमांड एरिया है तभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक इस तरीके की कैंडल बनती है तो ही हम इंटरेस्टेड होंगे इन ग्रैंड वर्ल्ड्स मूविंग अहेड एस्टेडियम सेम गोज फॉर एस्टेडियम हायर देखो हाई तो बना दिया है अब जो भी हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं हायर लो हायर लो और फिर से हायर लो तो so स्टॉक यहाँ पे आ चुका है अगर ये किस इस तरीके का मूवमेंट देता है या इस तरीके की कैंडल ऊपर सेटल होती है इसके डेली चार्ट के एंड पे आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू कोल लॉन्ग ऑन द स्टॉक फॉर अ हायर हाई इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑल्सो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है यहाँ से क्या हुआ मार्केट फॉल होती है ऊपर आती है और ज्यादा फॉल होती है ऊपर आती है थोड़ा कम फॉल होती है ऊपर आती है तो बेसिकली मार्केट हमें बता रही है कि पूरा पैटर्न ऑल ऑफ अ सडन जो है चेंज हो चुका है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर साइकोलॉजी में और ये ऊपर की तरफ अगर ये कैंडल सेटल करती है इस तरीके से ठीक है तो ये अच्छा लॉन्ग है ये बहुत अच्छा लॉन्ग है ये अपना एंट्री है ऊपर टॉप पे ये स्टॉप लॉस है डे के चार्ट के एंड पे इस तरीके से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्रेस बायो की बात कर लेते हैं तो क्रेश बायो भी इसी तरीके से कुछ पैटर्न बना रहा है अभी भी ओके यहाँ पे तुम ले सकते हो कि रेजिस्टेंस लेता था सपोर्ट लेता था ब्रेकआउट कभी अभी तक इसने दिया नहीं है ढंग का ओके एंड यहाँ पे देखोगे तो मदर बार बन चुकी है एकदम कन्फ्लुएंस सर्कल पे आके तो ये अपना कन्फ्लुएंस सर्किल है अगर एक अपॉर्चुनिटी इस तरीके से सीज होती है सीज आउट होती है वो अपनी ट्रेड होगी क्योंकि वो कन्फ्लुएंस सर्कल पे मदर कैंडल का ब्रेकआउट हो गया जिसमें दो इनसाइडर बार थी मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया और एग्जैक्टली exactly वहीं पे हुआ जहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल का होना चाहिए मूविंग ए हेड कर और बाकी सारी जो ट्रेड है कुछ खास है नहीं तो मैंने इनको नहीं करा तो एंड ऑफ द स्टोरी ओके एंड वेल्सपन कॉर्प की बात कर लेते हैं एंड तो कॉर्प के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था लास्ट सेशन में

नेक लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर मूव कर रहा है और अब क्या हुआ इस ऊपर मूवमेंट की वजह से इस बुलिश मूवमेंट की वजह से और इस ट्रायंगल पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है यहां पे उन सब चीजों की वजह से इसमें पावर आ गई अब मैं तुम लोग को एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे इस कैंडल को हम बोलेंगे मदर बार ठीक है ऐसे इसको बनाओ ये बन गया अपना मदर बार मदर बार के अंदर एक दो तीन चार दिन कंसोलिडेशन हुआ ब्रेकआउट हुआ फिर एक कैंडल जो गैप डाउन होकर ऊपर आ जाती है बहुत अच्छी तरीके से ये सिर्फ ऊपर नहीं आई है बट ये दोनों कैंडल्स हमको बता रही है कि स्टॉक बुलिश है और ये चैनल के अंदर वापस आ गई है तो बहुत आराम से पंद्रह परसेंट लिया जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हो बचपन कॉर्प के तो दिखेगा आपको एक गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन के साथ साथ आपको दिखेगा कि ये ब्रॉडनिंग पैटर्न भी है Broadening pattern के बीच में गैप डाउन हुआ है वहीं से रेजिस्टेंस लेके हायर लो बनाया हायर हाई high बना रहा है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वीकली चार्ट पे सिर्फ पंद्रह नहीं पचास परसेंट भी दे सकता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप भी को बन सकता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो गेव एटा लाइक अगर पसंद आया हो और अगर नए हो तो टेलीग्राम फॉलो कर लेना लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू सो मच डेली हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनालिसिस डालता हूँ मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो